नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्रभारत में और मैं आपके साथ प्रेम राज। आज छात्र गुस्से में छात्रों का आंदोलन चल चुका है। जो छात्रों का टोली है पटना से साइंस कॉलेज से चला और लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है। यहाँ पे जो छात्र है उनका एक ही मांग है कि सीबीआई जांच। आज सरकार ये बात सुन क्यों नहीं रही है? अगर कहीं दिक्कत है तो छात्र कह रहे हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए कि जांच करना है या नहीं करना है। छात्रों का आरोप है कि छात्र है जो चुप क्यों सारे आप लोग। नीतीश कुमार से हमको यही कहना है कि आप जो भ्रष्टाचार को बोले थे बंद करेंगे और भ्रष्टाचार जोर पकड़ लिया है, इसलिए हम लोग स्टूडेंट को जीना और पढ़ना हराम हो रहा है। और पढ़े तो किस लिए पढ़े, पैसा बर्बाद करे किस लिए करे, हम लोग कितना परेशानी से पढ़ते हैं, आप लोग बैठ के घुसखोरी करते हैं। आप लोग से यही कहना है कि सीबीआई जांच तो बिल्कुल देख सकते हैं। मुर्दाबाद के लगातार नारे लग रहे हैं, छात्र आक्रोशित है, छात्र गुस्से में, कुछ और भी छात्रों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। और छात्र कहा से हाँ हाँ अगर पढ़ाई कर रहे पटना में और उनकी जो मांग है वो मांग पूरी क्यों नहीं की, क्या मांग है अभी और आपकी मांग छात्रों का जो सीबीआई जांच होना चाहिए। तो देख सकते जो भी छात्र है उनका बस एक मांग है सीबीआई जांच। हम लोग इतना जो आसान सा छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रदर्शन लगातार इसलिए कर रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग नहीं हो पा रही है। आखिर ये मांग क्यों नहीं हो रही है? छात्र का आज ये कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तब तक आज हम लोग वापस नहीं आएंगे और आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ पे कुछ और छात्र जी, क्या कहाँ से आप पढ़ने आते हैं भैया? जी सर, कहाँ से पढ़ने आए पटना में? जी हम महेंद्रू में रहते हैं। कहाँ से पढ़ने आए? मुंगेर से। मुंगेर से जी। क्या लगता है जब आप लोग परीक्षा देते हैं परीक्षा के बाद पता चलता कि आपका पर्चा आउट हो चुका, इसमें क्या कहना है? जी सर, भ्रष्टाचार इस तरह से व्याप्त है कि हम लोग तो बहुत उम्मीद से आए थे कि पटना रहेंगे पढ़ेंगे और डेफिनेटली कि एग्जाम निकलेगा, निकालेंगे, या तो हम करेंगे या तो हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन इन सब के रवैये देख के ये बड़े बड़े नेता जो हैं, मंत्री जो हैं, ये सब इस तरह से मतलब शिक्षा को इस तरह से व्यवसाय बना दिए हैं कि हम गरीब छात्रों का क्या होगा, इस चीज को हम लोग समझ नहीं पा रहे। हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। हम लोग अपने हक के लिए ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं हम लोग अपने हक के लिए। क्या कहें सर, बताइए। हम देख सकते हैं जो छात्र है उनका यही कहना कि हम लड़ रहे हैं अपने हक के लिए और जब तक जो हमारी हक की मांग है वो मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग लड़ते रह गए। छात्रों के हाथ में बैनर है, बिहार देख सकते तमाम आज आप लोग की मांग चुके। नीतीश सरकार से यही आग्रह है कि पेपर लीक का मामला जितना भी उसको उसका सीबीआई जांच करना चाहिए क्योंकि युवा ही भविष्य है। क्या भविष्य है? आप लोग युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नीतीश कुमार आप कह रहे हैं कि हमारे शिक्षा के लिए क्या है बताइए, इसका सीबीआई जांच चाहिए, एक ही मांग है, नहीं तो हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, कभी इसे बंद करें, रात हम लोग रहेंगे रोड पर। तो क्या है आज भी मान लीजिए कोई टाइम सुनवाई नहीं किया जाएगा, इस बार जब तक हम लोग का मान नहीं माना जाएगा तब तक नहीं आतेंगे, चाहे रात हो कल सुबह तक हो जाए लेकिन नहीं आतेंगे। इस बार जो बिहार एससीसी कमेटी जल्द दिया गया साजिश के तहत, ये दरोगा के धांधली दबाने के लिए आयोग कहता है कि चोरी नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? सीबीआई जब जांच होगा तो तुम चोर नहीं हो, तो नहीं चोर हो, सीबीआई जांच होगा तो तुम चोर बन जाओगे, जब हम चोर नहीं आते सीबीआई जांच हो कुछ भी जांच हो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, तो छात्र है उनका कहना है कि अगर आपको लगता है कि सीबीआई जांच करवाने से आपकी पोल खुल रही है और आपको लगता है कि आप चोर नहीं है तो एक बार सीबीआई जांच करवाइए, आपकी बात और मेरी बात दोनों रास्ते पे रहेगी। पर हमारी जो मांग है, जो छात्रों का मांग है, वो लगातार सीबीआई जांच की मांग है। मांग ये नहीं होना चाहिए, हमारी मांग ऐसे हम लोग का मेहनत बर्बाद चला जाता है, दिस आवर गवर्नमेंट इज करेक्टरलेस। I can say that Bihar Daroga examination is cancelled by our government and this examination is checked by CBI. Only I can say that. बिल्कुल, तो देख रहे जो छात्र उनका कहना है कि सीबीआई जांच करवाओ, जब तक जांच नहीं होगा तब तक आज हम लोग वापस नहीं लौटेंगे, चाहे रात हो या बयान हो हम लोग डटे रहेंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रभारत। धन्यवाद।